हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो एमपी संविदा शिक्षक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की भर्ती का जो लोग इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें टोटल 17,000 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म को फिल करने की जो क्लोजिंग डेट है वो 25 सितंबर 2018 है। एमपी संविदा शिक्षक भर्ती 2018 के सभी नियम जारी कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप एमपी व्यापम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं। फॉर्म को फिल करने की जो क्लोजिंग डेट है वो 25 सितंबर 2018 है और जो एग्जाम डेट रहेगी वो आपकी 29 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएगी। यह एग्जाम दो शिफ्ट में कराया जाएगा। पहले शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे से 8 बजे तक का रहेगा और सेकेंड शिफ्ट रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 12 से 1 बजे तक रहेगा। दोस्तों, आगे की डिटेल देखने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको गवर्नमेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 500 रखी गई है और SC ST OBC PH कैंडिडेट के लिए 250 रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज 21 से 40 इयर्स तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास मास्टर डिग्री विद BEd या उसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री BEd या DEd होना अनिवार्य है और जो कैंडिडेट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास 10+2 होना अनिवार्य है। चलिए अब एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन बेस पर होगा जो 150 मार्क्स का रहेगा और टाइम ड्यूरेशन 230 आवर्स रहेगी। रिटन एग्जाम दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेडागॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट में कैंडिडेट ने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी देख लेते हैं। ग्रेड 1 के लिए आप विनय की बुक को रेफर कर सकते हैं, ग्रेड 2 के लिए आप विद्या की बुक को रेफर कर सकते हैं और ग्रेड 3 के लिए आप अरिहंत की बुक को रेफर कर सकते हैं। बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।